जीवकांड अर्थसंदृष्टि लेक्चर नंबर 28 आचार्य कल पंडित टोडल मिल के द्वारा लिखित समय ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यदि हिंदी अनुवाद है उसमें भी हम अर्थ संदृष्टि को देखते हुए पृष्ठ संख्या 944 पर आ गए 944। कल हमने योग मार्गना अधिकार शुरू किया था, संदृष्टि उसके देख रहे थे, उसमें 944 पृष्ठ पर टेबल है, उसमें जो पांच शरीर है उसके समय प्रबद्धों की संदृष्टि हमने देखी। औदारिक शरीर के समय प्रबद्धों को स कहा, वैक्रिय के लिए उसको असंख्यात गुणा किया, तो जितने गुणा किया उस असंख्यात का प्रमाण क्या है, तो श्रेणी का असंख्यात प्रभाव। उसके आगे आहारक का उससे भी असंख्यात गुणा है समय प्रबद्ध। समय प्रबुद्ध का अर्थ होता है एक समय में बनने वाले परमाणुओं की संख्या जो अनंत में होती है। फिर भी आहारक वाला जो अनंत है, सॉरी औदारिक वाला जो अनंत है उससे वैक्रिक वाला अनंत असंख्या गुणा है। वैक्रिक वाला जो है उससे आहारक का अनंत गुणा है, अनंत नहीं असंख्या गुणा है। आगे जो तेजस्कार कारण का वो अनंत गुणा है, इसलिए तेजस में वही स को दो बार श्रेणी के असंख्या विभाग से गुणा करके ख यानी अनंत से गुणा किया, कारमान में और एक ख से गुणा किया। यहाँ तक तो अपनी बात हुई थी। अब समय प्रबद्धि की जो अवगान है उसको हम देखते हैं। हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे नीचे से नीचे का दूसरा और बाद में ऊपर टेबल में दोबारा देखेंगे। पुनश्च घनांगुल ऐसा नीचे उसको सूचंगुल का असंख्यात प्रभाव, ऐसा सूचंगुल के लिए दो संख्या लिखते हैं और असंख्यात की वो तो उसकी जो सेनानी है चिन्ह है वो उसके नीचे लिखते हैं। उसका क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 बार भाग देने पर औदारिक आदि के समय प्रबद्ध की अवगाहना का प्रमाण होता है। ये बात ख्याल में लेना है, औदारिक का समय प्रबद्ध छोटा है परंतु उसके अवगाहना बड़ी है और आगे आगे वाले का समय प्रबद्ध बड़ा बड़ा है परंतु उसकी अवगाहना और छोटी छोटी होती चली जाती है। क्योंकि शुरू में तो एक ही बार बांध दिया, आगे आगे चलकर दो बार बांध देंगे तो उसकी अवगाहना और कम हो जाए। बड़ी संख्या से भाग दे रहे तो अवगाहना उसका रिजल्ट कम होगा। पुनश्च घनांगुल को यानी 6 को सूचंगुल के असंख्यात भाग का क्रम से 2, 3, 4, 5, 6 बार भाग देने पर औदारिकादि की वर्गणा के अवगाहना का प्रमाण आता है। इसमें क्या डिफरेंस है? पहले तो कहा था औदारिक के जो समय प्रबद्धि के अवगाहना है उसके लिए घनांगुल को एक बार सूचंगुल के असंख्यात सूचंगुल के असंख्या पे भाग से भाग लिया। तो अभी टेबल देखना, औदारिक के नीचे समय प्रबद्ध की जो अवगाहना कही है वो 6 ने घनांगुल और डिवाइडेड बाय सूचंगुल का असंख्या पर भाग, वो असंख्या पे सूचंगुल के असंख्या पे भाग से एक बार भाग दिया औदारिक के नीचे। कहाँ पर? अच्छा,
कहाँ देख रहे हैं? आप परगना के देख रहे हैं। मैं पहले समय प्रबद्धि की बताऊंगा। तो वहाँ एक दो तीन चार ऐसा हमने सेंटेंस पढ़ा था क्रम से, और वर्गणा की अवगाहना के लिए दो से शुरुआत हुई, यानी दो बार। यानी औदारिक के ही वर्गणा की अवगाहना कितनी है? तो दो बार सूचमूल के असंख्या के भाग से भाग दिया गया। वर्गणा की अवगाहना छोटी है, तो एक समय प्रबंध में अनंत को वर्गणा होती है, और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होती है। एक पूरा जो समय प्रबद्ध है उसमें अनंत वर्गणा होती है, और एक एक वर्गणा में अनंत यहाँ तो औदारिक के परमाणु होते हैं। तो वर्गणा की अवगणना छोटी है और समय प्रबद्ध की अवगणना बड़ी है। औदारिक के जो वर्गणा की अवगणना है वो वैत्रीय के समय प्रबद्ध की अवगणना। देखो ऐसा उल्टा हम देखेंगे। तो समय प्रबद्ध की अवगाहना में औदारिक के नीचे एक बार सूचकों की संख्या के भाग से भाग दिया, वैक्रिक में दो बार दिया, आहारिक में तीन बार दिया, तेजस में चार बार, और कारणा में पांच बार। वही बात वर्गणाओं की अवगाहना में जो घनांगों को दो बार सूचकों की संख्या के भाग से भाग दिया औदारिक के लिए, तीन बार वैक्रिक के लिए, चार बार आहारक के लिए, पाँच बार तेजस के लिए, और छह बार वहाँ छह लिखना रही है घनांगुली भूल गया वहाँ से। घनांगुल डालो वहाँ समस्त वर्गना औदारिक की वर्गना समस्त एक वर्गना समस्त वर्गनाओं को ले लेंगे तो उसको तो हम उसको क्या कहेंगे स्पर्धक। एक समय वाले के तो स्पर्धक वाली वो बात अलग पूरे तो उसका हम सत्ता में पड़ा हुआ जाए सत्व कहेंगे। सत्ता में जितनी पड़ी है उसकी बात नहीं है यहाँ पर। आप वर्गणा में थोड़े कंफ्यूज हो, ये वर्ग वर्गणा वाली वर्गणा नहीं है। वर्गणा शब्द अलग अलग जगह आता है, जैसे हमने जब अनुभाग देखा था कर्मों का, तो एक कर्म परमाणु को हमने वर्ग कहा। जिनमें जिनमें समान अनुभाग था ऐसे परमाणुओं के ग्रुप को वर्गणा कहा था, और ऐसे वर्गणाओं की स्पर्धक वगैरह वगैरह बना ली वो तो अनुभाग के बारे में बताया। यहाँ जो बात हो रही है समय प्रबंधन की हो रही है, तो यहाँ वर्गणा किसको करें? तो जो परमाणुओं का स्कंद औदारिक के शरीर के परमाणुओं का जो स्कंद ग्रहण करते हैं उसको यहाँ वर्गणा। ऐसे एक समय प्रबद्ध में क्या है तो अनंत वर्गणाओं को ग्रहण किया, वो अनुभाग वाली वर्गणा नहीं है। जैसे हम कहते हैं आहार वर्गणा, औदारिक शरीर कौन सी वर्गणा से बना है? आहार। वैक्रिक शरीर आहार वर्गणा, आहारक शरीर आहार वर्गणा, तेजस शरीर तेजस्वी। तो यहाँ भले वो सबकी आहार वर्गना ही है, फिर भी उसमें परमाणुओं की संख्या जो जिस वर्गना से जिस आहार वर्गना से औदारिक शरीर बनता है वो शुरुआत वाले कुछ है, उसमें परमाणुओं की संख्या कम है, परंतु वो तो अवगहना बनती। आगे वाले ऐसे आहार वर्गणा के जो आगे वाला ग्रुप लेना वर्गणाओं का, वर्गणा यानी उद्गल परमाणुओं का समूह रूप लेना है यहाँ पर वर्गणा, यानी जिसको हम स्कंद रूप से कहते हैं, परंतु एग्जैक्ट स्कंद और वर्गणा एक नहीं है। क्योंकि यहाँ जो हम औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं तो उस वर्गणा के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। वर्गणा क्या है? वो विशिष्ट जाति की औदारिक जाति की जो वर्गण यानी आहार वर्गणा है उसको, उसमें भी विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु का ही वो ग्रुप है, परंतु यहाँ अनुभव से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा है आपने प्रश्न पूछा है, तो वो कंफ्यूजन चलता आगे से भी। एक समय प्रबोधन में अनंत वर्गणा होती है, नेचुरली उसकी अवगणना छोटी होती, फिर भी वो उसके असंख्या पे भाग प्रमाण, अनंत पे भाग प्रमाण नहीं होता। करेक्शन किया आपने वहाँ घनांगुल
लिखना रह गया वो लिख दिया। अब ये तो हम टेबल का तो हमने पढ़ लिया नीचे, अब लास्ट अंतिम पैरेगा पुनश्च विश्रसोपचय के प्रमाण में। ये विश्रसोपचय क्या है मालूम है अमोल? सुना है, सुना है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि आपको मालूम नहीं यार, आपको नहीं प्रेरणा। वो एक कर्म के साथ जो दूसरे अनंत रचपन आते हैं वो देखो, ये यहाँ तो जीव औदारिक वैग्रिक आहार तेजस्या कारमान के परमाणु ग्रहण करता है, परंतु उन परमाणुओं के साथ स्निग्ध रूप से गुण के कारण अन्य जो परमाणु है जो हमने ग्रहण नहीं किए, हमारे निमित्त से ग्रहण नहीं हुए हैं, परंतु उसके स्निग्ध रूप से गुण की जो पर्याय है उसके कारण उसके साथ अपने आप मेरी भाषा में चिपके हुए, उसका स्कंद बन गया है उसके साथ। मेहमानों के मेहमान हाँ, मेहमान के मेहमान है, हमारे मेहमान नहीं है, उनके साथ वो लगे हुए हैं। तो ऐसे कितने हैं, तो एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत है। औदारिक का अपना विश्रसोपचय अलग, हमने तो कर्म के बारे में आपको याद था, या औदारिक के विश्रसोपचय अलग, औदारिक के जितने हम परमाणु वगैरह वगैरह ग्रहण कर रहे हैं उसके एक एक साथ एक एक के साथ इतने अनंत अनंत वास्तव में मौजूद है। वैक्रिक के भी वैसे ही, आहार के भी वैसे ही, तेजस में एक तो है तेजस शरीर जो तेजस वर्गणा जो हमने ग्रहण किए हैं, और उस तेजस शरीर के एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत अन्य परमाणु चिपके हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे विश्रसोपचय। ये जो उपचय यानी जो समूह संग्रह हुआ है, उपचय का अर्थ है समूह संग्रह, हम संचय कहते हैं वैसे ही उपचय। तो यहाँ जो ये उसका संचय हुआ है वो जीव का उसमें कोई निमित्त नहीं बना, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो तेजस शरीर बना है उस तेजस के परमाणु यानी तेजस वर्गना से तो बना ही बना है, उसके साथ अन्य विश्रसोपचय भी वहाँ पड़ेगा। कारमान का भी ऐसे ही, यानी जो हम देखते हैं ना जीव परभव में गमन करता है तो तेजस और कारमान शरीर उसके साथ जाता है, तो तेजस कारमान शरीर अकेला जाता है तो अपना अपना विश्रसोपचय के साथ, और एक परमाणु के साथ आनंद यानी वो कितना बड़ा होगा उसका, भले अवगाहना उसकी बड़ी नहीं हो जाए उसी जगह में वो स्थित है, फिर भी क्योंकि अवगाहना तो ऐसी है कि एक ही प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं विश्रसोपचय के प्रमाण में, तो विश्रसोपचय के प्रमाण के लिए एक त्रैराशि बताएंगे, एक परमाणु ये प्रमाण राशि, प्रकार हमने क्या देखा था प्रमाण राशि, प्रमाण राशि क्या है एक परमाणु, फल राशि अनंत गुणा जीव राशि, इसका अर्थ है एक एक परमाणु के साथ कितने विश्रसोपचय के परमाणु कितने हैं जीव राशि से अनंत गुणा, तो जीव राशि के लिए हम 16 मानते हैं और 16 को ख से गुणा किया तो ये जीव राशि से अनंत गुणा हुआ। इसको क्या कहा, यहाँ को क्या लिखा है नितिन भाई, को का अर्थ क्या है, को का अर्थ क्या है, खो किसका शॉर्ट फॉर्म है, फल राशि, फल राशि पहले प्र लिखा था यानी प्रमाण राशि एक प्रमाण, और उसके साथ फल राशि क्या है तो अनंत गुणा जीव राशि मात्र, इसकी बात चल रही है विश्वसोपचय के परमाणु की, यानी एक एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणा विश्रसोपचय वाले परमाणु है। तो कहते हैं अभी हमारे साथ सत्ता में कितने पड़े हैं परमाणु, उसके साथ अपना अपना विश्रसोपचय कितना होगा, तो कहते हैं इच्छा राशि किंचित कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रगत, पहले हमने गुणहानि शब्द सुना था, जो समय प्रबद्धक हमने देखा है, समय प्रबद्धक का अर्थ क्या है, एक समय में बंधने वाले परमाणु, ऐसे हर समय बनते रहते हैं और सब तो निकल नहीं जाते, जिनकी सत्ता में पड़े ही रहते हैं, तो सत्ता में कितने पड़े रहते हैं, तो कभी भी हिसाब करेंगे तो सत्ता के जो परमाणु हैं वो कितने होते हैं, तो जैसे डेढ़ यानी वन एंड हाफ टाइम्स, डेढ़ गुणहानि गुणित, गुणहानि हम 8 मान लेते हैं, उसकी संदृष्टि 8 का,
तो डेढ़ गुना करेंगे ने 12 और किंचित कम इन्हें 12 के आगे माइनस की साइन रखेंगे, कुछ कम डेढ़ गुना अनुगुणित समय प्रबल, इतने परमाणु हमेशा सत्ता में रहेंगे। तो एक परमाणु के साथ अनंत जीव राशि प्रमाण विश्वसोच है, तो डेढ़ गुना अनुगुणित समय प्रबल तो जो सत्ता वाला टोटल अपना जो स्टॉक है उसके साथ कितने ऐसे हर एक में लेना, औदारिक का अपना, तेजस का अपना, कारमान का अपना। आपका कोई प्रश्न? यहाँ पर 16 जो आपने जीव राशि बताई है वो तो अनंत ही है। तो फिर आगे अनंत गुना। अच्छा, उसके आगे अनंत गुना। हाँ, 16 के आगे अनंत लगा, 16 ख लिख दिया। देखो हम त्रैराशिक लिखेंगे बोर्ड पर, क्योंकि हम यहाँ क्या देखने रह जा रहे हैं कि टोटल विश्वसोपचय कितने हो गए। तो जैसे हम लिखते नहीं आप त्रैराशिक में, जैसे हम कहते हैं बिकॉज, क्योंकि एक परमाणु के साथ कितने परमाणु विश्वसोपचय के हैं, तो जीव राशि से अनंत गुना मैंने 16 को, 16 भी अनंत ही है, 16 भी अनंत है और उससे अनंत गुना, केवल अनंत के नहीं, कौन सा वाला अनंत है, तो जीव राशि से अनंत गुना वाला अनंत। इसलिए हमारे पास टोटल कितना है, तो जो समय प्रबद्ध है उसको डेढ़ गुनाने से गुना करेंगे, तो समय प्रबद्ध के लिए स लिखेंगे और डेढ़ गुनाने के लिए कुछ कम के लिए 12, कुछ घाटिए ने थोड़ा ही, उसके लिए कितना होगा। तो यहाँ समय प्रबद्ध भी बढ़ा लिया है, तो केवल स नहीं लिखते हुए यहाँ हम उसको स असंख्या लिखा, असंख्या गुना समय प्रबद्ध, यानी ज्यादा योग से बंधा हुआ, जहाँ योग ज्यादा होता है। नहीं समझ, ये जो ग्रहण होता है ना शरीर के परमाणुओं का या कर्म के परमाणुओं का, वो क्यों होता है, उसमें क्या निमित्त होता है, योग, योग से होता है। तो योग क्या है, आत्म प्रदेशों की चर्चा, तो स्वभाव है कि विभाव है, तो उसमें क्या निमित्त है, विभाव है तो क्या कोई तो कर्म का निमित्त होना चाहिए। हाँ, शरीर नाम कर्म का होता है, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में औदारिक के परमाणु ग्रहण होते हैं, जिसके वैकृत शरीर नाम कर्म का उदय है उसके वैकृत जाति के परमाणु का ग्रहण होगा। आहार शरीर कौन बनाएंगे, जिसको आहार शरीर अंगोपांग का उदय है, उदय किसके होगा, जिन्होंने बांधा है उन्हीं के उदय होगा, तो उनके औदार आहार शरीर बनेगा जब उदय के काल में। तेजस का कारमान का उदय तो हमेशा चलता है, तो तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस शरीर के परमाणु का ग्रहण होता है, और कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से कारमान वर्गण का ग्रहण होकर कर्म बनते हैं। प्रश्न है, इसमें 11 अंक और 9 कुंडल इसमें आता है, किसमें, ये शरीर का, शरीर के बंद, बंद होने, शरीर के बंद होने में क्या कहते हैं, वो 11 अंग और 9 पूर्व का कुछ, 11 अंग और 9 पूर्व वो तो ज्ञान की बात है, वो अंग और शरीर एक मान रहे हैं। अच्छा, अंग अंगोपांग मैंने कहा इसलिए आपको ये प्रश्न, कोई बात नहीं, वो जो ज्ञान में जो अंग शब्द आता है वो तो अपने एक एक कोई वॉल्यूम से अलग अलग विषय है, शास्त्र है अलग अलग, तो उसको वहाँ अंग कहा, जैसे आचार अंग है, सूत्रांग है, अलग अलग उसके विषय भी अलग है। तो वो द्वादशांग यानी 12 अंगों की रचना हुई है जिसमें अपने पूरी जिनवानी भूखी हुई है, वो अंग अलग। और यहाँ जो कहते हैं ना शरीर नाम कर्म और अंगोपांग, अंग यानी अवयव को भी अंग कहते हैं, और उपांग यानी उसके और सब डिविजन्स जो कुछ है, उंगली वगैरह, या हमारे अंदर कहेंगे तो मेन ऑर्गन्स है, और फिर उसके और दूसरे कोई टिश्यूज वगैरह जो उसके उपांग कहेंगे, उसके इस तरह से उसको अंग उपांग। कहीं भी झिझक रखे बिना पूछना, क्योंकि ऐसे सिमिलर शब्द आते हैं और अर्थ बहुत अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं पूछूंगा तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसी कोई चिंता मत करना, क्योंकि हमें समझना है।
लोग समझेंगे तुम्हारे निमित्त, आपके निमित्त से सब समझ जाएंगे। तो यहाँ हमने अभी त्रैराशिक देखा, एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणा विश्रसोपचय वाले परमाणु होते हैं, तो डेढ़ गुणा अनिगुणित समय प्रबोधक के साथ कितने होंगे, तो इतने विश्रसोपचय यहाँ पड़े हैं। हर एक शरीर का अपना अपना विश्रसोपचय अलग है। जब मैं फिर पढ़ती हूँ, विश्रसोपचय के प्रमाण में उसका प्रमाण निकालते समय प्रमाण राशि एक परमाणु, उसके लिए प्र एक लिखा, फल राशि अनंत गुणा जीव राशि मात्र, को यानी फल राशि, आगे 16 फल लिखा, 16 जीव राशि है तो उसके अनंत गुणा। इच्छा राशि यानी हम किसका निकालना चाहते हैं उसको कहेंगे इच्छा राशि, कुछ कम किंचित कम डेढ़ गुणानी से गुणित समय प्रबंधक, ये यानी इच्छा राशि। स के आगे असंख्या इसके लिए इसलिए लिखा, मैक्सिमम पॉसिबल हमें वहाँ बड़ाई में बड़ा समय प्रबंध लेना था, यानी जहाँ सत्ता में अधिक से अधिक परमाणु है उसको लिया यहाँ। वहाँ लब्ध राशि मात्र, लब्ध राशि यानी हमें जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, ये डेढ़ गुना यानी उन्नीस समय प्रबंध से 16 को गुणा करेंगे एक से भाग में, तो लब्ध राशि मात्र विश्रसोपचय परमाणुओं का प्रमाण ऐसा, जो इच्छा राशि है सो असंख्या 12 कुछ कम उसको 16 को फल राशि से गुणा किया, एक से भाग दिया तो एक का भाग दिया नहीं दिया वहाँ नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। पुनश्च औदारिकादि शरीरों के यानी सभी अपने अपने शरीरों के, देखो यहाँ एक अभी टर्मिनोलॉजी आएगी यानी कुछ शब्द आएंगे, इसको कहेंगे उसके पारिभाषिक शब्द, यही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ मीनिंग में हो, यही शब्द अनुभाग के प्रकरण में भी यूज हो। यहाँ तो हम स्थिति देख रहे हैं, तो स्थिति के प्रकरण में इसका क्या अर्थ होता है वो हम देखेंगे। तो कहते हैं औदारिकादि शरीरों के यानी पांचों शरीरों के अपने अपने द्रव्य, द्रव्य का अर्थ है उसके टोटल नंबर ऑफ परमाणु। स्थिति, स्थिति का अर्थ है यहाँ निषेक कितने बने उसको स्थिति कहेंगे, नंबर ऑफ निषेक, कितनी स्थिति बांधी उसको स्थिति नहीं कहेंगे, ये इस गणित में, क्योंकि कारमान शरीर कर्मण जो बनता है तो उसकी स्थिति बांधी है, परंतु निषेक कितने बने तो आवारा को छोड़कर निषेक बने, तो स्थिति में नंबर ऑफ निषेक ले लेंगे उसको स्थिति कहेंगे। गुणहानि, देखो पहला निषेक हमेशा अधिक परमाणु का होता है, ऊपर के दूसरे निषेकों में परमाणु कम होते हैं और कम होते हैं और कम होते हैं, जितने निषेक जाके परमाणु की संख्या आधी होती है उतना जो निषेकों का प्रमाण है उसको कहेंगे एक गुणहानि, तो यह है गुणहानि। अलग अलग शरीरों के गुणहानि का प्रमाण अलग अलग होगा। नाना गुणहानि का अर्थ होता है टोटल नंबर ऑफ गुणहानियाँ, ऐसे आधा आधा का आधा आधा का आधा कब तक होगा, जितनी स्थिति होगी वहाँ तक आधे का आधा होता चलेगा, तो उसको कहेंगे नाना गुणहानि, नाना ने का नहीं टोटल नंबर ऑफ गुणहानि। ये कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं टोटल स्थिति 48 समय की और एक गुणहानि 8 समय की कहेंगे, तो 8 समय के बाद आधा हुआ उसके बाद और आधा होगा, कितने बार होगा ऐसा, 6 बार होगा ना, 48 डिवाइडेड बाय 8 6 बार, तो उसको कहेंगे नाना गुणहानि कितनी है, तो 6 दो गुणहानि, एक गुणहानि 8 की है तो दो गुणहानि का प्रमाण 16। एक यहाँ शब्द आया अन्योन्याभ्यस्त राशि, अभ्यस्त करना यानी गुणा करना, अन्योन्य ने आपस में, अभी जितनी नंबर ऑफ गुणहानियाँ हैं जिसको हम नाना गुणहानि कहते हैं, अभी हमने कितनी गुणहानि देखी थी 48 समय की स्थिति अगर देखेंगे और 8 की एक गुणहानि होगी तो 6 नाना गुणहानि होगी, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालना, 6 बार दो संख्या लिखो और आपस में गुणा करो,
जितना नाना गुणानि का प्रमाण है उतने दो लिखकर गुणा करने से हमें अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है। वो अन्योन्य अभ्यस्त राशि का क्या इस्तेमाल करना वो तो गणित पहले हमने देखा नहीं था, पहले हमने ऐसा देखा था। अभी हमने 48 का जो उदाहरण लिया है तो उसमें अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी आती है, तो दो संख्या 6 बार लिख के आपस में गुणा करना, तो कितने आए, कितने 64 आए ना, कुछ कम आए, 2:5 हम ऐसा ही ले, हमें 6 निकालना है ना, तो 4+2 6 होते हैं, तो 4 जिसका अर्धच्छेद है इसी राशि कौन सी है 16, और 2 जिसका अर्धच्छेद है इसी राशि है 4। अर्धच्छेदों का जहाँ टोटल होती है प्लस होता है वहाँ उन संख्याओं का गुण करो, 16+16। यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, हम 6400 अगर टोटल परमाणु मानेंगे और अन्योन्य अभ्यस्त 6400 मान लेते हैं और अन्योन्य अभ्यस्त राशि में से एक कम करना कितने हो गए 63, और उससे 6300 को भाग दे तो हमें डायरेक्ट अंतिम गुणहानि का प्रमाण मिलेगा, टोटल द्रव्य 100 आता। अब यहाँ वो गणित नहीं करना है, केवल अन्योन्य अभ्यस्त राशि क्या है उसको हमने देखा और उसकी संतुष्टि यहाँ हमको देखनी है, हर एक शरीर की अपनी अपनी। अब यहाँ हम टेबल देखते हैं, इनकी संतुष्टियों का यंत्र ने टेबल निम्न प्रकार है, 945 पृष्ठ पर आते हैं, उसका द्रव्य औदारिक का द्रव्य, अभी ये एक समय में ग्रहण किया हुआ द्रव्य यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि एक समय में जो समय प्रबद्ध ग्रहण होता है उसकी निषेक रचना होती है। निषेक रचना का भी अर्थ देखते हैं, एक समय में कितने परमाणु ग्रहण होते हैं तो अनंत होते हैं, तो अनंत होते तो उसका क्या होता है, तो हम कहेंगे उसकी रचना, फिर उसमें से कितने चले जाते उसका हिसाब अलग है। तो पहले जिस समय ग्रहण हुआ है उस समय ऐसी जो निषेक रचना बताई है, हमें नीचे बड़ा बताया ऊपर छोटा बताया है, क्योंकि वो तो एक एक चेज से भिन्न ऐसी रचना होती है, उसको ऐसा ट्राइंगल भी बता दें, उसको समझ कोई भी शरीर के परमाणु ग्रहण होते हैं तो ग्रहण करते ही उसकी ऐसी रचना बनती है। औदारिक शरीर में, वैक्रियक में और आहारक में वहाँ आबाधा काल नहीं होता, कर्मों में होता, फिर भी स्थिति हम जब कहेंगे तो कर्मों में भले आबाधा है फिर भी इसको छोड़कर वो स्थिति नाम की उसको संज्ञा दी गई ये गणित के लिए। अब यहाँ हम औदारिक के नीचे के सभी देखेंगे द्रव्य कितना है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ द्रव्य ये पूरे में कितना मिलकर है, क्योंकि एक समय में जितना बंधा था समय प्रबद्ध ये उसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने समय में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आयु के पहले समय में जितने परमाणु ग्रहण होते हैं शरीर के, जीव विशिष्ट आयु बांध कर आया है पूर्व भाव से, मान लेते 100 साल की आयु बांध के आया है, तो पहले समय में जितने परमाणु ग्रहण हो गए एक समय प्रबद्ध उसकी निषेक रचना होगी, तो उसकी निषेक रचना कितने समयों में होगी, 100 साल के जितने समय है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ देखते हैं औदारिक का द्रव्य कितना है, समय प्रबद्ध जितना, उसकी स्थिति कितनी है, तो यहाँ जब स्थिति कहते हैं या कोई भी जहाँ कहते हैं उत्कृष्ट की बात, तो औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति, औदारिक शरीर किसके होता है पहले ये बताओ, हम मनुष्यों के और नाचियों के और कितनी गति है, हाँ देव और नाकी कितने होता है, के कौन सा शरीर है वो के नहीं, आप
संक्रमण बताना, आयु बंद बताना कितनी, उसके शरीर का नाम क्या है, औदारी, तो औदारी शरीर किसके है, मनुष्य के और तिरियन, मनुष्य और तिरियन जो में मैक्सिमम आयु कितनी मालूम है आपको, तीन पल्ले, तीन पल्ले, हाँ तीन पल्ले है, कहाँ की है, भूमि की, उत्तम भूमि, यही बात है, क्या लिखा है, औदारिक शरीर में द्रव्य कितना है तो एक समय पर और स्थिति कितनी है तो तीन पल की, ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति की बात है, पहले समय में यदि जीव ग्रहण करेगा इतने परमाणु तो तीन पल्ले में उसके डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक एक समय में एक एक ब्लॉक, तो एक समय में कितना परमाणु ग्रहण करता है सोचो तो सही। गुणहानि आयाम, ये औदारिक शरीर का गुणहानि आयाम का अर्थ समझते हैं, ये जो निषेक रचना हुई है कितना बताए वहाँ गुणहानि आया, अंतर संख्या तावली यानी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में वो परमाणु आधे आधे होते हैं, औदारिक शरीर के संबंधी जो गुणहानि का आयाम है वो कितना है अंतर्मूर्त है, पहले समय में तीन पल्ले में अगर कहीं भी हो, हमारी भी 100 साल की आयु है लेके आए हैं, पहले समय में ग्रहण किया हो, अभी अभी हम ग्रहण करें, अभी मेरी उम्र अभी 65 और मान लेते अभी 75 की मेरी आयु बांध के आयु में, तो अभी जो वर्तमान में मैं ग्रहण करी तो 10 वर्षों के जिसमें समय उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें भी गुणहानि का आयाम कितना होगा अंतर, गुणहानि का आयाम उसका अर्थ क्या है, कितने निषेक जाके द्रव्य का प्रमाण आधा होता है, नहीं समझे, गुणहानि किसको कहना, निषेकों का यानी निषेकों में नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं उसका जहाँ आधा प्रमाण होता है उतने जो लंबाई है काल की समय में कितने तो उसको कहेंगे गुणहानि, गुणहानि का आयाम, औदारी शरीर में कितना है तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त लंबाई गुणहानि का आयाम को लंबाई को नंबर ऑफ निषेक का उसमें क्योंकि एक समय में एक निषेक है तो अंतर्मूर्त सबका बदलता है कि एक ही रहता है, नहीं हर अलग अलग होगा, व्यक्तिगत का अंतर्मूर्त हर औदारिक का हर का अपना तीन पल्ले वाला का और समझो कि यहाँ 75 वो अंतर्मूर्त से औदारिक शरीर की गुणहानि जैसे कर्मों में जो होती है गुणहानि सभी कर्मों के लिए समान होती है, नाना गुणहानि अलग होगी जितनी स्थिति बनती है उसके अनुसार नंबर ऑफ गुणहानि अलग होगी परंतु गुणहानि का जो आयाम है वो सेम होगा सभी कर्मों में, तो यहाँ हम देख रहे हैं समय में बन रही थी हर समय में बन रहा है हर समय में गुणहानि आयाम अलग अलग होगा, हाँ अलग अलग है नहीं उतना उसका उस समय में बंधे हुए का बिल्कुल, ये हम एक समय में बंधे हुए का यहाँ हिसाब लगा, सत्ता वाला है वो अलग करेंगे, ये सत्ता की रचना होती है उसका कथन उसकी जो निषेक रचना है वो अलग होती है, तो सभी यहीं पे होंगे क्या सब निषेक है ना, परंतु यहाँ जो द्रव्य कह रहे हैं वो कौन सा वाला लिया हमने एक समय प्रबद्ध वाला, टोटल सत्ता का लेंगे तो कैसे लिखेंगे स असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय 12 कुछ कम और उसका हिसाब भी अलग रहेगा उसमें भी गुणहानि का प्रमाण उतना ही, अब ये गुणहानि का आयाम कितना देखा औदारिक का अंतर्मूर्त नाना गुणहानि कैसे निकाली थी हमने तो टोटल स्थिति डिवाइडेड बाय गुणहानि का आयाम, तो यहाँ कैसे लिख रहे हैं तीन पल्ले डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त, कहाँ से आवाज आ रहा गुणहानि का जो आयाम था अंतर्मुख उसके आगे 2 लिखा है मल्टीप्लाई बाय यानी 2 गुना गुणहानि, ये 2 गुणहानि का क्या महत्व है, 2 गुणहानि का महत्व ऐसा है कि जो प्रथम निषेक
होता है उसको दो गुनाने से भाग देते हैं तो छह का परिणाम आता है। मैंने उसके गणित सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पहले भी हमने देखा था कि टोटल द्रव्यों को निकालेंगे, फिर उसका मध्य धन यानी एवरेज निकालेंगे, उसमें से गच्छ में से वो माइनस करके आधा करके वो लंबा चौड़ा गुण होता है, तो वहाँ भी वो दो गुनाने में से उसको माइनस करते हैं, एक कम गच्छ का आधा, और फिर उससे मध्य धन को भाग देते हैं, तो डायरेक्ट हमें प्रथम निश्चय करना है। और एक है अन्योन्य अभ्यस्त राशि। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे आती है, क्या देखा था हमने, जितनी नाना गुणानी है उतनी बार दो लिख के आपस में मिलाना। अब यहाँ उत्कृष्ट स्थिति के साथ ये है नाना गुणानी ज्यादा में ज्यादा होगी, तो तीन पल्ले को अंतर्मूल से भाग देंगे तो कितनी बड़ी संख्या आएगी, तो उसको हम दो संख्या को उतनी बार लिखेंगे और आपस में मिलाएंगे तो कितनी आएगी संख्या, तो असंख्यात लोग। अभी आगे वैक्रिक की देखते हैं। वैक्रिक के समय प्रबद्ध हमने जो हमने पहले 944 पृष्ठ पर समय प्रबद्ध का जो कॉलम देखा था, वैसे यहाँ औदारिक के समय प्रबद्ध को जगत श्रेणी के असंख्यात भाग से गुणा किया। वैक्रिक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 33 तो वहाँ 33 गए। ये उत्कृष्ट स्थिति लेकर यहाँ बात हो रही, उसका भी गुणानी आयाम है अंतर्मूल। नाना गुणानी कैसे निकालेंगे, स्थिति डिवाइडेड बाय गुणानी आयाम, तो 33 अगर डिवाइडेड बाय अंतर्मूल संख्या था वो। दो गुणानी वैसे निकालेंगे, गुणानी को दो गुणा करेंगे। अन्य व्यस्त राशि कितनी होगी, वहाँ तो पल्लों में यहाँ तो सागरों में है, तो असंख्यात लोग गुणा असंख्यात। आहार का द्रव्य कितना है, उसका जो समय प्रबद्ध है दो बार श्रेणी का असंख्यात भाग से गुणा किया था। स्थिति कितनी है, आहार शरीर कितने काल तक टिकता है अंदर, तो यहाँ दो बार संख्या गुणित आवली दिया। गुणहानि का आयाम कितना होगा, यथायोग्य छोटा अंतर है इसलिए इसको एक बार संख्या गुणित आवली लिखा। नाना गुणहानि कितनी होगी, तो स्थिति डिवाइडेड बाय गुणहानि आयाम, तो संख्या रहेगी दो गुणहानि, जो गुणहानि का आयाम दो गुना करो वो दो गुणहानि होगी। और उसके अन्य भाष्य राशि कितनी होगी, तो दो संख्या संख्या बार लिख के गुणा करो तो संख्या गुणा संख्या हो जाए। अब तेजस के, उसका द्रव्य ने उसका समय प्रबद्ध, वो पूर्व आहार का जो था उससे अनंत गुणा है। तेजस की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो 66 साल। हमेशा उसको ही याद आती है, करना नियोग परिचय में ये लिखा था तेजस की उत्कृष्ट स्थिति। तब हम जयपुर गए, उसका विमोचन हुआ पुस्तक का, तो यशपाल जी है ना वहाँ, तो उन्होंने ये कहाँ से लिखा, छांदों का आधार है भी क्या नहीं है, तो ऐसी कुछ अटपटी बातें किसी विद्वानों को दिखाना चाहिए फिर लिखना चाहिए पुस्तक, ऐसे बहुत 22-23 उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, प्रश्न चिन्ह ये कहाँ से लिया कर, तो फिर वो समय ज्ञान चंद्रिका में से लिया है सब, तो उसको मंगवा के आधे घंटे के अंदर उनको पृष्ठ संख्या लिख के सब दे, तो इतने खुश हुए थे, तो कहते मैंने इसका संपादन किया, मुझे ये बातें अभी याद नहीं थी कहो या जो कुछ है, मगर उसमें तो सारा, क्योंकि वो तो पत्र रूप है, उसमें तो हर जगह हर पेज में हर लाइन में लिख नहीं सकते, ये इसका आधार है, तो इसलिए ऐसे आधार रूप बात नहीं लिखी उसमें, तो जब ये 66 सागर आता है तो मुझे वो याद आता है। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है 66 सागर। देखो एक बात लेना, ये औदारिक और वैक्रिक शरीर एक भाव के लिए, आहारक शरीर तो अंतर्मुख के लिए होता है, तेजस शरीर अनेक भवन तक चलेगा पर इतना नहीं चलेगा जितना कारमान चलेगा, क्योंकि कारमान की तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 करोड़ कोड़ी सागर एक समय में बंधा हुआ,
तो वो कितने काल तक कितने भवन तक चलेगा वो विशिष्ट समय में बंधे हुए की बात है। तो का जो लिखा है वो तो क्यों नहीं है सा सत्तर का दो लिखा है को चाहिए को चाहिए सा सत्तर को दो क्योंकि दो है ना दो बार हाँ नीचे भी का ही लिखा है कैसे को का आगे से आगे भी का ही हो गया सत्तर को चाहिए क्योंकि मूल संदृष्टि में भी हमने को लिखा है को दो लिखा था जैसे 947 पृष्ठ पर नीचे को दो लिखा है जहाँ जहाँ वो यहाँ पर भी नीचे का दो को दो लिखा है हमने यहाँ गलत प्रिंट हुआ क्या है कहीं वो तो स्थिति अभी हमने किसकी चल रही थी तेजस्वी गुणहानी आयाम कितना है उसका तो संख्या पल्ल डिवाइडेड बाय 6 माइनस वचे इंटू असंख्या अभी ये 6 माइनस वचे क्या है तो 6 का अर्थ होता है पल्ले के अर्धचे और वचे का अर्थ होता है पल्ले के वर्ग शलाका के अर्धचे पल्ले के वर्ग शलाका के अर्धचे तो 6 माइनस बचे और उसको भी असंख्यात गुणा करके ये संख्यात पल्ल को डिवाइड किया है वो 6 का अर्थ क्या होता है वर्ग शलाका के अर्धचे और दोनों के बीच में ये जो चांद जैसा है वो माइनस की साइन है इसका अर्थ हम नीचे एक्सप्लेन किया है वहाँ पर देखेंगे नाना गुणहानी कितनी है तो 6 माइनस बचे देखो गुणहानी आयाम जो लिखा है हम स्थिति को गुणहानी आयाम से भाग देते हैं तो नाना गुणहानी आती है यहाँ उल्टा किया यहाँ स्थिति को नाना गुणहानी से भाग दिया तो गुणहानी आयाम निकाला नहीं समझ हमारी स्थिति 48 थी और गुणहानी आयाम 8 था तो नाना गुणहानी कितनी थी 6 अभी यहाँ इस पद्धति से बताया है कि हमें गुणहानि आयाम नहीं मालूम है नाना गुणहानि मालूम है तो 48 स्थिति है और नाना गुणहानि 6 है तो एक गुणहानि की वैल्यू कितनी होगी 48 डिवाइडेड बाय 6 8 होगी वही होगा ना 48 को 8 से डिवाइड करते तो 6 आता है और 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है तो यहाँ नाना गुणहानि मालूम है 6 माइनस 6 इंटू असंख्या और उससे स्थिति क्या लिखे संख्यात पल्ले ये संख्यात पल्ले क्यों लिखा डॉक्टर जी आप कहेंगे हाँ दिव्या बेन संख्यात पल्ले क्यों लिखा कहाँ से निकाला ये संख्यात पल्ले सागर सागर अच्छा सर सागर है ना तो एक सागर में 10 कोड़ा पुल तो 66 सागर में 660 कोड़ा पुल वो भी संख्यात हुआ इसलिए संख्यात पल्ले लिखा 66 सागर के बदले ये संख्यात पल्ले लिखा डिवाइडेड बाय नाना गुणहानि ये एक गुणहानि का आयाम हुआ नाना गुणहानि कितनी है तो पल्ले के अर्धच्छेद में से उसके वर्ग वर्गशलाका के अर्धच्छेद माइनस करो और असंख्या से गुणा करो ये 6 माइनस बचे कैसे आए वो देखेंगे कारमांड में उसकी बात और क्लियर होगी अब दो गुणहानि कितनी है ऊपर जो गुणहानि का आयाम देखा था उसको दो गुणा कर दो और अन्य अभ्यस्त राशि कितनी आती है तो क्या लिखा वहाँ पर जो लिखा है ना वो असंख्या असंख्यात कल्प काल को यानी कल्प काल असंख्यात कल्प काल के बदले या लिखा है बीच में और आगे क्या लिखा है आवली नहीं
अंगुल का असंख्यात क्योंकि अंगुल के असंख्यात भाग में असंख्यात असंख्यात कल्प काल होते हैं। यानी इतनी बार दो संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या है। अब कारमान का भी देख लेते फिर नीचे का पढ़ेंगे। या का अर्थ क्या है? या है ना? और इसलिए उसको बोल्ड में नहीं लिखा, ऑर्डिनरी लिखा। ये अपने ऑर्डिनरी या शब्द है। दिस या दिस यानी दिस और दैट इस तरह से। अब हम कारमान का देख लेते हैं। कारमान का समय प्रबंध तेजस से भी आनंद गुण। कारमान की स्थिति मैक्सिमम 70 कोड़ा करो, उसको लिखते सा 70 और को दो और का को करो। उसका गुणानी आयाम कितना है? अब ये जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, वो भी संख्यात पर है। दोनों की वैल्यू अलग है। तेजस की वैल्यू तो 66 सागर की और इसकी तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, फिर भी कहेंगे संख्यात पर। और डिवाइडेड बाय क्या है वहाँ? 6-1। नाना गुणानी है 6-1, दो गुणानी जो अभी हमने गुणानी आयाम देखा था उसको दो गुणा किया। और अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है? तो वो ऊपर को यानी पल्य और नीचे उसकी वर्गशाला, पल्य डिवाइडेड बाय उसकी वर्गशाला, ये उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि अपनी कारमान की। अभी यहाँ हम नीचे उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें। यहाँ पहले समय प्रबद्ध की संदृष्टि कही थी, वही द्रव्य की संदृष्टि जाने, यानी टोटल द्रव्य एक समय प्रबद्ध का उसकी बात है। पुनश्च स्थिति औदारिक की 3 पल्य यानी को 3, वैक्री की 33 सागर 7-31, आहार की 2 बार संख्या गुणित आवधि मात्र यानी 2 आगे 2 बार 9 जैसे सागर, तेजस की 66 सागर 7-66, कारमान की मोह की अपेक्षा क्योंकि मोहनी कर्म की सर्वोत्कृष्ट है सागर 70 कोड़ा कोड़ी सा 70 को 2, यहाँ भी को करना। पुनश्च गुणहानि आयाम औदारिकादि 3 का अंतर्मूर्त मात्र और तेजस कारमान का अपनी अपनी स्थिति संख्यात पल्य प्रमाण यानी उसका वैल्यू अलग अलग है, अपनी अपनी स्थिति अलग करी। तेजस में तो 66 सागर उत्कृष्ट थी और वहाँ तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर भी उसको कथन में क्या होगा? संख्यात पल्य। उसको अपनी अपनी नाना गुणानी का भाग देने पर होता है यानी स्थिति डिवाइडेड बाय नाना गुणानी इज इक्वल टू गुणानी आयाम। उल्टा भी करते हैं, स्थिति को गुणहानि आयाम से डिवाइड करेंगे तो नाना गुणहानि। पुनश्च नाना गुणहानि औदारिक वैक्लिक की अपनी अपनी स्थिति को गुणहानि आयाम का भाग देने पर होती है। आहारक की संख्यात मात्र है क्योंकि उसके तो दोनों ही अंतर्मूर्त है इसलिए उसको संख्यात उसका उत्तर है। तेजस की पल्ले के अर्धच्छेद में 6 से पल्ले की वर्गशलाका के अर्धच्छेद वह 6 घटाने की आगे लिखी ऐसी संदृष्टि करके, ये जो माइनस की साइन करके ये जो चंद्र कोर देसी है ना उसको असंख्यात से गुणित करने के लिए आगे ऐसी संदृष्टि यानी असंख्यात की करने पर 6-6 इंटू असंख्यात होता है। कारमान की असंख्यात के गुणकार के बिना तेजस्वत संदृष्टि होती है 6-6, ये तेजस का जो है वो उसे असंख्यात गुणा हो जाती है नाना गुणा में क्योंकि उसका गुणहानि आयाम छोटा है तो नाना गुणहानि ज्यादा। पुनश्च
यहाँ एक प्रश्न है, छः माइनस वच्छे किया असंख्या, तो आपने वच्छे को खाली गुना है कि पूरा पूरा ब्रैकेट पूरे को गुना है? पुनश्च दो गुणहानि में जो गुणहानि की संदृष्टि थी उसको दो से गुणा करने के लिए आगे दो के अंक की संदृष्टि होती। पुनश्च अन्योन्य अभ्यस्य राशि की क्रम से ने औदारिक विक्री कहाँ लगा दी थी? औदारिक के असंख्यात लोग प्रमाण ऐसी, इससे असंख्यात लोग गुणा विक्री की ऐसी, यानी असंख्यात लोग असंख्यात लोग, आहार की संख्या गुणित संख्यात मात्रा ऐसी, तेजस की सुचंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये अंगुल की बात ऐसी, इसका अपवर्तन करने पर, यानी उसको अगर हम अंगुल का असंख्यात विभाग को अगर देखेंगे समयों की अपेक्षा, तो कहते हैं असंख्यात कल्पकाल मात्र होता है, इसलिए उसको तो कहा तो असंख्यात, उसकी वहीं पर संदृष्टि ऐसी तो असंख्यात। कारमान की यानी कारमान की जो अन्य व्यस्त राशि है वो पल्ले को वर्गशलाका का भाग देने पर ऐसी, यानी को डिवाइडेड बाय वो, ये उसकी संदृष्टि जानने की। यहाँ गुणहानि नाना गुणहानि अन्य व्यस्त राशि में त्रैराशिक आदि विशेष है, वहाँ संदृष्टि सुगम है। यहाँ हर एक के अपने अपने त्रैराशिक बताए हैं, तो भी संदृष्टि जब बताई तो उस त्रैराशिक भी समझने में आसान है, क्योंकि अपने अपने गुणहानि आयाम को प्रमाण राशि करके, फल राशि एक करके, यानी इतने गुणहानि के एक, यानी इतने में एक होती है, तो जो अपनी स्थिति में कितनी, जैसे हमने कहा ना आठ के एक गुणहानि होती है, तो अर्थात इसकी कितनी, छः होगी। ये अपना अपना त्रैराशिक होगा। अपने अपने स्थिति को इच्छा राशि करने पर औदारिकादि शरीरों की नाना गुणानी राशि होती है। इन वाक्यों का अर्थ समझ में आता है? प्रमाण राशि किसको किया? गुणानी, इतने के लिए, इतनी स्थिति के लिए एक गुणानी, तो टोटल स्थिति के लिए कितनी। पुनश्च अपनी अपनी नाना गुणानी राशि को प्रमाण राशि करके, अब अपना नाना गुणहानि हम छः मान लेते हैं ना, फल राशि अपनी अपनी स्थिति करके, यानी जब छः नाना गुणहानि है तो टोटल स्थिति 48 होती है। इच्छा राशि एक करने पर तो एक के लिए कितनी होगी, औदारिकादि शरीरों के गुणहानि आयाम होता है, तो हमें उत्तर आ जाएगा 8। तो यही उल्टे पद्धति से कि यहाँ प्रमाण क्या किया, पहले त्रैराशिक में औदारिक के लिए गुणहानि का प्रमाण अंतर्मुख, अंतर्मुख में एक गुणहानि होती है, तो इच्छा टोटल स्थिति कितनी है, मैक्सिमम होंगे कि 3 पर देते हैं, उसमें कितनी होगी नाना गुणहानि, तो पौती डिवाइडेड बाय अंतर्मुख, जो पहले हमने देख लिया इस टेबल में लिखा है ना, ठीक है 945 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय अंतर नाना गुणहानि। ऐसे वैक्रिय के प्रमाण गुणहानि का प्रमाण लिखना, अंतर्मुख में फल एक होता है तो 33 सागर में कितना होगा, तो 731 डिवाइडेड बाय अंतर्मुख, ये उसकी नाना गुणहानि। आहार में वो संख्या तावली में एक होगा, तो 2 संख्या गुणित अवली में कितना होगा, तो संख्या। तेजस में उसका गुणहानि का प्रमाण 66 डिवाइडेड बाय 6 माइनस और 6 इंटू असंख्या, उसमें एक होगा, तो 66 सागर में कितना होगा, तो इससे इसे गुणा करेंगे हम, तो 6 माइनस और 6 रह जाए। इच्छा से फलों को गुणा करते हैं और प्रमाण से भाग देते हैं, भाग देना है उल्टा करके गुणा करेंगे, तो वो 7, 7, 66, 66 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा। कारमान में 7, 70 का 2, यह भी का 2 होंगे, मूल में देखना पड़ेगा का लिखा था क्या,
दो चलने और डिवाइडेड बाय छः माइनस बच्चे में एक गुणानी होती है तो इच्छा राशि 770 को दो में कितनी होगी आगे को दो करना है छः माइनस बच्चे अब इसको उल्टा फिर करें गुणानी को प्रमाण दिया ये उल्टा हुआ प्रमाण में नाना गुणानी है और लब्ध में गुणानी है वैसे ऊपर के वैसे नाम डाल दिए प्रमाण में नाना गुणानी लिखना क्योंकि यहाँ नाना गुणानी की बात लिखी है सर्वत्र और लब्ध में नाना निकाल दो गुणानी नाना गुणहानि में इतनी स्थिति है तो एक गुणहानि में कितनी है तो एक गुणहानि का प्रमाण मिलेगा जो ऊपर प्रमाण में लिखा था अभी वो लग्न में आ गया ऊपर देखो ना प्रमाण में गुणहानि लिखा था ना और लब्ध में नाना गुणहानि दिया था अब यहाँ प्रमाण में नाना गुणहानि दिया है तो लब्ध में गुणहानि आ जाएगी ऊपर के साथ कंपेयर करो वैक्रिय की जो लब्ध था वो यहाँ प्रमाण दिया तो गुणहानि का प्रमाण मिला हमें एक अंतर आहारक को संख्या भी दिया था उसके गुणहानि का प्रमाण संख्या था गया तेजस का 6 माइनस वचे सिंधु असंख्या दिया था उसके गुणहानि का प्रमाण है 66 सागर डिवाइडेड बाय 6 माइनस वचे इंटू असंख्या कारवाण के नाना गुणहानि 6 माइनस वचे थे तो उसकी कितनी आई 770 को दो विश्वादों ने को दो 6 माइनस वचे हम तो यहीं रुकेंगे कि उसके आगे जो कुछ अन्य व्यस्त राशि वगैरह वगैरह की बात करता है कल जावा